हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज सोनू गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है पहाड़ों की हसीन और खूबसूरत वादियों से। गाइस, आज का ये व्लॉग होने वाला है कुछ खास, तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में फर्स्ट टू एंड तक। गुरु हूं घाटाणी। अच्छा, ओए कहां पड़ गो आबियो? हां घाटानी जा घा यहां शो रमणी बूटू। हां ओ घाम पड़ गवा। गर्मी दिन शुरू होगी। ओ गर्मी दिन शुरू के है वो सता में लग गई हो घाटानी। गोरु को घा पानी हां दीवे। गोड़ बैठ बे या घाटानी में आबियो। इधर इनमें डेढ़ भी बोरी धान उठी हमार। अच्छा, ये गड़ा में? ये गड़ा में। हाँ, आप ये बाजे दरिया बांध रहे हो के धनिरे नहीं भाई हूँ। तब बटेरे जय लागनी नू बटेरे। अच्छा, पे तब के निबोई जायो। दोस्तों, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले इन खेतों में गेहूं और धान हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक है, तो उसकी वजह से खेत सारे यहाँ पे बंजर पड़े हैं। देखिए, ये पेड़ जो आपको दिख रहे हैं चारों तरफ, ये है नाशपाती के पेड़। जो गाड़ पहली बार आ देखी। अच्छा, इनमें धान बुनी भो, एक ही बोरी धान उनकी बांधो चक्कर में गाड़ी भी बांस बाढ़ी ली नहीं हो पकाई ली नहीं खादड़ा खादे ली नहीं खाना पकाया करना लीजिए जानी हाथ भी लूट गेर। और पिछो हो रही ना जब नहर में ये हाथ का धरना, ये हाथ बैठी गाड़ी भी ले जानी पिछो को ले जानी बोटो में नशा के सब ले जानी जी जी भाई किचन बधे के चीज दुआ ढकन बोला बस साफ कर देने। रात गाड़ हो रही हो, रात 9 बजे बेटी बानर के धन्य रही सब कचल काचल में बराबर कर रखो। ये हमने भय नया खाली ये बूढ़ सो ना बूढ़े की गाड़ आवाज कर रहे थी। ये बगाई से यार बिगिन में पायो तो देख लो, ये बिगिन सब लाल चुड़ बे तस कर है खरी है लियो मुने बंदर हूं अरे कर रहे मरी यार नंती नाल ना तैयार हो रही है जानो आप घर हैं। यहाँ और तो कुछ नहीं होता, बोले की घास ही होता है। अच्छा, घास ही घास होता है यहाँ। हाँ, और बंदर कुछ नहीं रखते यहाँ। अभी नहीं हुआ है। मैं घास लेके आ रही हूँ, ये अब इसको धूप में डालूं थोड़ा, ये सूख जाएगा तो फिर खिलाऊंगी। ऐसे नहीं खाते हैं इसको ना, ये खास नहीं होता है, ये खाने में मिठास नहीं होता है, ये इसको सुखा के खिलाएंगे। अब मैं आया हूँ अपने खेत में, यहाँ पे आज निकाल रहे हैं सरसों। आज हम अपने खेत में देखिए सरसों निकालने आए हैं। ये है सरसों के पेड़। हम सरसों को गेहूं के साथ बोते हैं और सरसों पहले ही हो जाता है, और गेहूं तो अभी टाइम लगेगा होने में, गेहूं भी हरी ही है। अच्छा, ये देखिए हमने इतना सरसों निकाल दिया है। अब हम इसको घर को ले जाएंगे। अच्छा, फिर इसको घर जाके धूप में सुखाएंगे। 2-4 दिन बाद इसकी धूप में सुखा के कुटाई होगी। फिर इसका सरसों अलग, बीज अलग निकल जाएगा। फिर उसको सुखा के रख देंगे और बाद में फिर उसका तेल निकालने ले जाएंगे।
दोस्तों आज हम लगा रहे हैं यहाँ पर शिमला मिर्च के पौधे। आज मैं शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, ये सारे पौधे बागेश्वर से लेके आई हूँ। ये है बैंगन के पेड़ और ये है टमाटर के पेड़ और शिमला मिर्च के पेड़ मैंने लगा दिए हैं, देखिए सर। और अब इसमें हम ये गोबर से बनी हुई खाद है सामने, इसको डालेंगे इसके ऊपर से, और पहले भी इसमें डाला है अभी ये। अच्छा तोड़ो, फिर दिखाना कैसे हो रहे हैं मटर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हिमालयन ग्लाइडर, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।